केजरीवाल का दावा, सीबीआई सिसोदिया को रविवार को अरेस्ट कर लेगी। दिल्ली सीएम बोले, यह बहुत दुखद लेकिन तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई अरेस्ट कर लेगी। इसकी पुष्टि उनके सूत्रों ने की है। एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे सूत्र ने बताया कि रविवार को उनकी गिरफ्तारी होगी, यह बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा, उनके बैंक लॉकरों की तलाशी ली, उनके कार्यालय पर छापा मारा, उनके गांव में संपत्तियों पर छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए डिप्टी सीएम की सराहना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के 75 साल बाद इस देश के गरीब लोगों को उम्मीद दी है कि उनके बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो सकता है। दिल्ली में गरीबों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसे व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची गई है। केजरीवाल ने कहा कि वह सिसोदिया से पहली बार 29 दिसंबर 1999 को मिले थे, जब वह आयकर विभाग में काम कर रहे थे। यदि आप उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी? अगर किसी देश के राजा को जेल भेज दिया जाएगा तो उस देश में गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाला है तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? गौरतलब है कि सिसोदिया ने सोमवार को कहा था कि सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। पिछले रविवार को सिसोदिया ने केंद्रीय एजेंसी से यह कहते हुए पूछताछ टालने का अनुरोध किया था कि वह इस समय बजट तैयार कर रहे हैं और केवल फरवरी के अंत में ही। हालांकि मामले में अब तक दायर चार्जशीट में सिसोदिया का आरोपी नहीं बनाया गया है। गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक चार्जशीट में नामजद और 7 आरोपी भी शामिल हैं।